बेटे के प्यार में तड़पते पिता की अनोखी वसीयत। राम साहेब जोशी ने उस घर में अपने प्राण त्याग दिए जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार, कड़ी मेहनत, लग्न, निष्ठा एवं खून से सींच कर बनाया था। कैसे कैसे उन्होंने यह घर बनाया और कैसे कैसे उनके दिल में अरमा थे, बस यह तो जोशी ही जानते थे। चार बेटों के लिए उन्होंने चार सेट बनवा रखे थे, परंतु चारों ही उनसे यानी इस घर से दूर अपने अपने काम धंधों में व्यस्त थे। इसे जोशी जी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बेचारों कभी एक साथ अपने परिवारों सहित इकट्ठे जोशी जी के साथ नहीं रहे। पत्नी पहले ही जा चुकी थी और जोशी जी की बड़ी तमन्ना थी कि उनका पूरा परिवार एक साथ एक ही समय इस घर की छत के नीचे रहे। आज उनकी वसीयत पढ़ी जानी थी, घर के सभी सदस्य मौजूद थे। आज के हिसाब समय के हिसाब से घर अच्छी खासी कीमत का था, अतः सब में उत्सुकता थी। वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद इस घर पर मेरे चारों बेटों का बराबर का अधिकार रहेगा। वे यहाँ पर जैसे चाहें रह सकते हैं, परंतु ना तो वे इसे किराए इत्यादि पर देंगे, ना ही बेचने के हकदार होंगे। ऐसा करते हैं तो उनका हक खत्म हो जाएगा और घर अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम अथवा वृद्ध आश्रम के लिए दे दिया जाएगा। इस अनोखी वसीयत पर सभी चकित थे। शायद जोशी जी जीते जी ना सही, मरने के बाद ही सही पूरी परिवार को अपने घर में इकट्ठा देखने की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कहानियाँ आपको आगे मिलती रहेंगी।